अगर आप एम्पकेट लोन ऐप को यूज करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे आप लोन को बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और लिमिट को कैसे इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट को कैसे चेंज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मेरा एक EMI था जिसको मैं क्लोज करके लिमिट को इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं मैंने EMI पे क्लिक करके यहाँ पर रीपेमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा जो रीपेमेंट था वो क्लोज हो चुका है। तो क्लोज होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा लिमिट आप देख सकते हैं इंक्रीज तो नहीं हुआ है, लेकिन अवेलेबल क्रेडिट लिमिट यहाँ पर मेरा इंक्रीज हो चुका है। तो लिमिट यहाँ पर इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा लोन को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले बताया था यहाँ पर आपको लोन लेके भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे लोन लेने के लिए, यहाँ पर EMI और वन पेमेंट सेक्शन आ जाएगा। तो आप जिसमें चाहे लोन यहाँ पर से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वन पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ लोन को लेने के लिए। तो देख सकते हैं वन पेमेंट सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे लोन अमाउंट को चूज कर लेना है। लोन अमाउंट चूज होने के बाद यहाँ पर मुझे टाइम पीरियड चूज कर लेना है। दोनों होने के बाद यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक आ चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस बैंक में पैसा कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैं बैंक के सेक्शन में आया नया बैंक को ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक February 29 से काम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं अभी मैं FI का अकाउंट डालने वाला हूँ। अगर आप FI का अकाउंट खोलना चाहते हैं फेडरल बैंक के साथ तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर IFSC कोड अकाउंट नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एम्पकेट ₹1 आपके अकाउंट में सेंड करेगा और आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अकाउंट ऐड होने के बाद यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। OTP को यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा जो फेडरल बैंक FI की अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऊपर वाला डिलीट भी कर सकते हैं, मैं अभी इसको रहने देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने फिर से जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन शो कर रहा है बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पर मुझे फेडरल बैंक को चूज कर लेना है, क्योंकि फेडरल बैंक पे मुझे मेरा लोन अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट पर क्लिक किया। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट पर क्लिक किया तो इंस्टेंटली मेरा जो लोन था वो अप्रूव हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ से लोन लेना तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर अप्लाई करके आप लोन का अप्लाई कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं और लिमिट को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं हम कैसे इंस्टेंटली यहाँ पर लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र किया। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ से लोन लेना तो ज़रूर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर से क्लिक करके लोन को अप्लाई कीजिए, लिमिट को इंक्रीज़ कीजिए